सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जो कि ऑल अबाउट थिंग्स। और आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन से लाखों तारे कैसे कैप्चर कर सकते हैं। दिल्ली से हजार होंगे लेकिन कहीं हिली एरिया में जाएंगे तो आपको लाखों मिल सकते हैं। तो ये कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं जो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर करी है गाइज। तो अब ब्राइटनेस फुल करके देखें तब आपको काफ़ी सारे स्टार विजुअलाइज होंगे जो कि इसमें डार्क में नहीं दिख रहे हैं। और ये दिल्ली की फ़ोटो है जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो अभी पीछे गई थी वो झांसी की है। और ये देखिए कितना क्लियर व्यू है, स्टार्स कितने सारे स्टार इसने कैप्चर कर रखे हैं। ये भी झांसी की फ़ोटो है, ये हमारा ओरायन नेबुला। ये 3 जो स्टार्स दिख रहे हैं उसके नीचे जो 2 डॉट हैं छोटे छोटे, वो ओरायन नेबुला है। उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो गाइज, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने सेल फोन को डार्क एरिया में रखना है। डायरेक्ट रेज बल्ब की हो या कोई भी लाइट हो इसके कैमरे पे ना पड़े, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने जूम करके दिखाया और स्टार क्लियर हो गए। ये सब तरीके देखो कितना क्लियर है, ठीक है। तो आप गूगल पे लाइट पोल्यूशन सर्च करें पहले तो, कि लाइट पोल्यूशन आप जानिए कि होता क्या है। तो जब आप ऐसे सर्च करेंगे तो लाइट पोल्यूशन आपको दिखेगा कि आप ये गो टू माई लोकेशन पे जाएंगे। तो दिल्ली में तो बहुत ही बकवास स्काई है, नाइट स्काई यहाँ पे बहुत बकवास है। बट फिर भी यहाँ से मैंने कुछ फ़ोटो ली है और उसका रिज़ल्ट मेरे को बहुत ही अच्छा मिला है। बस आपका कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अगर लो है तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, बट हाँ आप कर सकते हैं, कोशिश करने में कुछ नहीं है। तो ये कुछ एरिया है, आप इस पर क्लिक करके देखेंगे तो यही उस एरिया का लाइट पोल्यूशन दिखाता है। यहाँ पर है क्लास 4, जितना ड्रॉप होता जाएगा क्लास उतना ही बेस्ट स्काई हमें मिलेगा। तो हम अपने एरिया का देखेंगे तो इसका आएगा क्लास 8 और 9, जो कि बहुत हाई है, यहाँ से देखना बड़ा मुश्किल है। और जब हम डार्क एरिया को कैप्चर करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, ये ब्लू एरिया बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ से कैप्चरिंग बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ पे आ गया क्लास 3, जो भी बंदा इस एरिया में रहता है वो देख सकता है और यहाँ से अपना नाइट स्टार को कैप्चर कर सकता है। और भी बेस्ट जो मैक्सिमम लेवल है ये है इसका क्लास 1, ये है लद्दाख में पड़ता है, यहाँ से हमें मिल्की वे गैलेक्सी भी दिख जाती है। तो आपको क्या करना है, अपने सेल फोन में कैमरा ऑन करना है और कुछ डिटेल आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि इसके लिए हमें यूज़ करना है प्रोमोड। प्रोमोड में जाएंगे तो ये हमें ऑप्शन मिलते हैं, हर एक का अलग अलग तरीका आता है फ़ोन का। तो ये ओप्पो के फ़ोन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ISO आपको 64 रखना है एंड शटर स्पीड आपको रखनी है 32 सेकेंड, ध्यान रहे। वाइट बैलेंस अगर आप दिल्ली सिटी से देख रहे हैं तो 42 से लेके 45 के बीच में आपको रखना है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एक क्लिक में नहीं आती फिर आप दूसरा वैल्यू सेट करें, फिर चेक करें। और ये है आपका मैनुअल फोकस जो कि आपको 1 पे रखना है, ठीक है गाइस। और ये है एक्सपोजर वैल्यू, तो ये हमारा रहेगा -2, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इसी वैल्यू पे ये सेट होने चाहिए तभी आप कैप्चर कर पाएंगे बहुत सारे स्टार्स फ्रॉम योर रूफ टॉप। सो ये कुछ ऑप्शन ऊपर और हैं, मैक्रो लेंस है जो कि बहुत पास से दिखाएगा। और ये जो ट्री बना हुआ है ये हमारा दूर के लिए है, इन्फिनिटी के लिए। ऑब्वियसली स्काई इज इन्फिनिटी है तो हम इन्फिनिटी पे ही रखेंगे, ठीक है गाइस। और दूसरा ध्यान रखें, आपको सेल फोन को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे कि लाइट इस पर डायरेक्ट हिट ना कर रही हो, इससे अवेज आ रही हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने वैल्यू वगैरह सारी सेट कर रखी है। ये 5000 पे वाइट बैलेंस लगा हुआ है, मैं जस्ट ट्राई कर रहा था। आप जो वैल्यू बता रखी है आप चेक कर सकते हैं, जिस पे आपको बेस्ट वैल्यू मिले, बेस्ट रिजल्ट मिले, उसे आप ओके कर सकते हैं। तो यही है, मतलब छोटी छोटी ट्रिक है, उससे भी हम एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, स्मार्टफोन में भी काफ़ी सारे फीचर होते हैं आजकल। तो चलिएगा, जब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ शटर
1 2 3, ये 3 सेकंड का इसमें इसलिए रखा है जिससे कि जब हम क्लिक करते हैं ना तो फ़ोन थोड़ा शेक होता है, तो शेक लेस होना चाहिए जब भी ये कैप्चर करे फोटो, ठीक है गैस। और कैप्चर करते हुए आप इससे दूर हो जाइए, आई मीन आपका फोटो ना आए वरना सारा व्यू खराब हो जाएगा। तो ये 32 सेकंड के लिए जितनी भी लाइट आती है गैदर करता है अपने कैमरा में फ्रॉम स्काई और फ्रॉम स्टार्स जो कि बहुत ही डिस्टेंट लेवल पे हैं अर्थ से। तो जैसा कि देख रहे हैं आप अभी ये कैप्चर होके आपको दिख रहा है गाइस। तो अभी हम देखेंगे इसमें क्या फोटो आया है। अगर आपको ये जो दिख रहा है आप फोटो अभी आपको ब्लैकिश दिख रहा है, कभी कभार बिल्कुल वाइट आएगा तो वो एकदम बकवास होता है, उसे कभी मत। उसके लिए अगर अब वाइट आता है तो आपको उसकी सेटिंग चेंज करनी है वाइट बैलेंस की। ओके गाइस, तो ये देखिए कुछ स्टार्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे एडिट करना देखेंगे कि एडिट कैसे करें, क्योंकि अभी इसमें तो स्टार हाईलाइट नहीं हो रहे। तो हाईलाइट करने के लिए भी आपको आपके फ़ोन में होगा सेटिंग या एडिट करना, तो वहाँ पे आप जाके इसे एडजस्ट कर सकते हैं जिसे मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से। एंड अगर गाइस आप मेरी वीडियो चैनल पे न्यू हैं तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत ही एस्ट्रोनॉमी में टॉपिक्स लाता रहूँगा जिसे भी पसंद है। ओके गाइस, सो ये कुछ एडिटिंग स्किल मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इससे आप बिल्कुल जो छुपे हुए स्टार्स हैं जो इसके अंदर कैप्चर हुए हैं बट वो दिख नहीं रहे, तो इस एडिटिंग से आप ला सकते हैं। एक होता है स्टैकिंग। स्टैकिंग एक हाई लेवल की चीज़ है, आई मीन हाई लेवल इन द सेंस कर तो कोई भी सकता है, बट उसके लिए मैं बहुत सारी फोटोज़ वगैरह कैप्चर करके फिर स्टैकिंग, वो अगले टॉपिक में लेके आऊँगा मैं। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं और कैप्चर भी कर सकते हैं और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकलेगा गाइस। एंड अभी देखते रहिए, और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको उसी तरह से एडिट करना है। अगर आपका सॉफ्टवेयर अलग है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। देखिए वाओ कितना सुंदर व्यू है। ये है 7 पैलेडीज, आप इसे सर्च मार सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं कि हमने फोटो तो ले ली है, बट जब आप इसे जूम करके ब्राइटनेस करके देखेंगे तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी, क्योंकि एक स्टार एक लाइट का तो सर्कुलर शेप में होना चाहिए ना, बट आपको जब आप जूम करके देखेंगे इस तरह से तो ये एक लाइट खिंच सी रही है ना। आई मीन ये डॉट प्रॉपर तो नहीं है ना। तो ये है, ये इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि ये अर्थ का रोटेशन हो रहा है। 32 सेकेंड में हमारी अर्थ जहाँ से स्टार को कैप्चर करा है उसे वो लाइट को लेती जा रही है लेती जा रही है, और इसे इस तरह से एंगल बन जाता है। इसे हम कहते हैं स्टार ट्रेलिंग। यूट्यूब पे इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। बट एनीवे रिजल्ट बहुत अच्छा है गाइस, आप जब अपने मोबाइल से देखेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें, एंड थैंक यू वेरी मच। और आप ज़रूर आज ट्राई करना, देख लें। स्काई क्लियर होना चाहिए, क्लाउड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है गाइस। सो बाय, टेक केयर।